इस बार 250-300 दरोगा खरीदा गया है पैसा दे देके, पैसा दे देके कि हमारे कोचिंग में आके बोल दो, हमारे क्लास में से पढ़ के लॉज तुम्हारे गांव के गए और उधर पैसा लेके उधर चल गई। अरे मत पूछो यहाँ पे। एक विद्यार्थी आया, उसको मतलब हमारे सबको ऐसे नीचे बैठ के पढ़ता था वहाँ पे, और वहाँ चल गया। फिर आया मेरे पास कि सर मजबूरी थी, हमको क्या हुआ? कहा सर 2 लाख रुपया दे रहा है, 2 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल। कहा सर हम बहुत गरीब घर से हैं, हम क्या करें? नीचे बैठ के पढ़ता था वहाँ पे। हमसे कहा कि सर मजबूरी में हम लोग तो सर कैसे बैठ के पढ़ा दे। अच्छा उसका फीस भी हम आधे लिए थे। कहा था कि सर वो उसके पिताजी राजमिस्त्री जो होता है लेबर, तो लेबर का काम करते थे जोड़िया वगैरह, तो पैसा कहा था। हमसे पूछा हमको कितना दोगे, हमको हम बोले कितना दे सकते हो? कहा सर आधा दे सर, हमको पढ़ लो यहाँ पे। उसके बाद कहा सर 2 लाख रुपया मिल रहा है, एक मोटरसाइकिल मिल रहा है। इतना ही नहीं, वो लॉज में जो रहता था ना, लॉज में से भी 3-4 ठोकर ले गया। तो पहले ना विद्यार्थी सफल होने के बाद गुरु को, आप गुरु शिक्षा का पैसा दे रहा है, 2 लाख रुपया दे देंगे आप, समझ गए कि नहीं? आ गया और मोटरसाइकिल दे रहा है। आप अपने से ईमानदारी से सोच के देखो, ईमानदारी से सोच के देखो कि क्यों दिया जा रहा है, अपने से सोच के देखो क्यों दिया जा रहा है। आप नहीं समझे, अगर विद्यार्थी की भलाई का शौक है फीस कम कीजिए, तो भाई हम 2 लाख रुपया देके इसको खरीद लेंगे, बाकी जो आएगा उससे फीस लेंगे। हमको बहुत अच्छा आओ लोग आओ लोग यहाँ पसंद। तो इतना आप इतना ईमानदार विद्यार्थी कि आया मेरे पास मिठाई लेके और कहा कि सर आप हमारा नाम बस मत लीजिएगा, मैं तो फिर पैसा मांग लेगा, साइन करा रहा है। 2 लाख रुपया कोई देगा तो साइन कराएगा कि नहीं कराएगा? और कहीं सर जी केस उस कर देगा तो नौकरी इधर में ईद हो जाएगा, तो ऐसे कैसे केस उस कर देगा जी? टेंशन ले लो। कहा कि सर आपके पास तो वैसे विद्यार्थी आ रहा है, पूरा महक गया है इस बार कि खरीद दिया दरोगा, खरीद दिया यहाँ पे यहाँ पे। लेकिन ये करना चाहिए, आपने बताया, एक शिक्षक की अपनी मर्यादा होती है। यहाँ पे पटना के एक बहुत प्रतिष्ठित सर है, बहुत प्रतिष्ठित। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे टीचर लोग 2-2 लाख में बच्चों को अपने यहाँ बुला देते हैं, झूठमूठ के बोल देते हैं कि जो है आपने दारोगा बनाया है 2 लाख रुपया लेके। उस पर आपका क्या जवाब है? देखिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हमारे विद्यार्थी इसका जवाब दें। नहीं, हम चाहते हैं आप जवाब दें, लेकिन निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं, इस पे हम बोल भी दिए हैं, उन तक जवाब पहुंच भी गया होगा। अगर उनको लगता है कोई ऐसा है, वो अगर अपने मन से बोले हैं, हम अपने मन से बोल रहे हैं, अगर उनके पास ऐसा कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्रा है, यानी गरीबी मासूमियत यानी झूठा कहानी बनाना, अगर उनको लगता है कि ऐसी कोई है लड़की। सर सबसे पहली बात, उन्होंने कोई लड़की का जिक्र नहीं किया है, आपकी पहली गलती तो यही सुधरी जाती है। जिसको हमने 2 लाख रुपया देकर के खरीद लिया, वो हमारे स्टेज पर लाएं, हम उनको 2 करोड़ रुपया देंगे। और इसके बाद एक बात हम कहना चाहेंगे कि कुछ कह करके भी कुछ हम नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये कहना लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, हम अपना काम करके आगे बढ़ते हैं। आखिरी में जाते जाते बच्चों को क्या कहते?